अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। थोड़ा नीचे करो थोड़ा। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये राजनीति से अलग हटके कोई काम है तो सारे मेरे पत्रकार साथी इसको खबर में प्रायोरिटी देंगे और देवास के जन जन तक इस खबर को भेजने में प्रयास करेंगे। अरे ले लो, देंगे और देवास के जन जन तक इस खबर को भेजने में प्रयास करेंगे। हर्ष की बात है देवास शहर के लिए, जो देवास शहर में भगवान सिद्धि विनायक की असीम कृपा और वर्ल्ड बुक ऑफ में उसका नाम दर्ज हुआ है उसकी संख्या को लेकर, तो मैं आपके माध्यम से देवास की समस्त आम जनता को ये खुशखबरी देना चाहता हूं और उन समस्त भक्तों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो इस धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ये देवास के हर जनमानस ने मिलकर, देवास की हर एक संस्थाओं ने मिलकर ये इस कार्य को सफल किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार साथी, जब देवास शहर में पोस्टर का खेल हुआ था हिलना उतारना करना, उस समय मैंने आप लोगों को बुलाया था और मैंने बोला था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लो भाई, मैं उन सभी, आपने सवाल अच्छा किया, मैं उन सभी दानदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिसमें जिन्होंने इस भव्य पुनीत पावन धर्म की इस गंगा में भक्त मंडल के नाम से हमारी संस्था है और बहुत सारे लोग हम जुड़े हैं और ये पुरस्कार प्रदीप चौधरी को नहीं, ये देवास के हर जनमानस को मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, किस लिए मिला? ये इनक्रेडिबल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक है, ये वर्ल्ड बुक का हमारा ये रिकॉर्ड बना है। रावण यात्रा, कलश यात्रा, कितने लोग उसमें शामिल हुए? 2 लाख से अधिक। सर भैया एक छोटा सा प्रश्न है राजनीति से, श्री सिद्धिविनायक भक्त मंडल के नाम से हमारी संस्था है और बहुत सारे लोग हम जुड़े हैं और ये पुरस्कार प्रदीप चौधरी को नहीं, देवास के हर जनमानस को मिला। उनका पुरस्कार मिला ये इनक्रेडिबल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक है, ये वर्ल्ड बुक में हमारा ये रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड बना है, रावण यात्रा, कलश यात्रा, मैक्सिमम कितने लोग शामिल हुए? 2 लाख से अधिक। भैया एक छोटा सा प्रश्न है राजनीति से, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आपको आगे बताएंगे? देखिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये अभी मेरे हाथ में ये सारी चीजें, ये बैनर है मेरे पीछे में, अभी राजनीति की बात नहीं करूंगा, राजनीति की बात करने के लिए कल मिलते हैं। किस तरह से जनता का आभार व्यक्त करेंगे, इतनी बड़ी सफलता देवास शहर में पहली बार मिली है? अपना सिर जमीन पर रख कर सबका आभार, सबको धन्यवाद। बाकी जो रह गई है भागवत कथा उनको कब तक पूर्ण करवाएंगे? ये गजानन की कृपा, जो भगवान गजानन की कृपा हो जाएगी उस हिसाब से सब। धन्यवाद।